है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, जहां खनन कंपनियां अब खनन क्षेत्र को यहां पर नहीं छोड़ पाएंगी असुरक्षित। तो ये बड़ा अपडेट इस मामले में सामने आया, जहां खनन कंपनियां अब क्षेत्र को यहां पर असुरक्षित नहीं छोड़ पाएंगी। माइनिंग क्लोजिंग सर्टिफिकेट जरूरी होगा। बैतूल के खनन ब्लॉक को यहाँ पर देश का पहला सर्टिफिकेट मिला है। बड़ा अपडेट, जहां सुरक्षित खदानों को यहां पर खुला छोड़ने पर दुर्घटनाएं होती हैं। खनन के बाद पानी सुरक्षा प्रबंधन का भी यहां पर प्लान देना होता है, और अब यहां पर क्लोजिंग माइनिंग जरूरी होगी, जहां पर खनन कंपनियां अब खनन क्षेत्र को खुला नहीं छोड़ पाएंगी, असुरक्षित नहीं छोड़ पाएंगी। सर्टिफिकेट जरूरी होगा, जहां देश का पहला सर्टिफिकेट बैतूल के खनन ब्लॉक को मिला है। तो ये बड़ी खबर है, जहां अब आपको बता दें खनन कंपनियां अब खनन क्षेत्र को असुरक्षित नहीं छोड़ पाएंगी। माइनिंग क्लोजिंग सर्टिफिकेट जरूरी होगा। बैतूल के खनन ब्लॉक को देश का पहला सर्टिफिकेट मिला है। असुरक्षित खदानों से आपको बता दें यहां पर जो खुली छोड़ी जाती हैं खदानें, उससे दुर्घटनाएं होती हैं। खनन के बाद पानी सुरक्षा प्रबंधन का भी यहाँ पर प्लान होता है। तो माइनिंग क्लोजिंग का सर्टिफिकेट देना अब जरूरी हो जाएगा, जहां बस सुरक्षित माइनिंग को नहीं छोड़ा जा सकेगा। लगातार हो रही दुर्घटनाओं के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया है, जहां क्लोजिंग सर्टिफिकेट देना जरूरी होगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपडेट लेंगे। रंजन, अब खनन कंपनियां खनन क्षेत्र को असुरक्षित नहीं छोड़ पाएंगी, माइनिंग सर्टिफिकेट अब जरूरी होगा, बड़ा अपडेट, जहां बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए ये फैसला। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए तो अब सरकार के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें साफ तौर पर जितने भी खनन कंपनियां हैं उनको निर्देशित कर दिया गया है कि खनन कंपनियां जो काम करती है, अगर कहीं पर खनन का काम किया जाता है तो वहां पर हम देखते हैं कि बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, जिसके बाद से कई जगहों पर जो है दुर्घटना होने की भी जो समस्या वो बढ़ जाती है। ऐसे में इसको ध्यान में रखते हुए जो है अब सभी खनन कंपनियों को जो है माइनिंग क्लोजिंग सर्टिफिकेट जो है वो जारी किया जाएगा, जिसके आधार पर जो है अब वहां पर वो जगह जो है वो सुरक्षित है, वो सरकार की तरफ से एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसके बाद पता चलेगा ये जो माइनिंग जहां पर हुई थी वो जगह जो है बिल्कुल रूप से सुरक्षित है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे पहला बैतूल खनन ब्लॉक को जो है उसको जो देश का पहला सर्टिफिकेट मिला, क्योंकि बैतूल खनन की बात करें तो वहां पर तमाम सारे जो इंतजाम होते हैं खनन के तरफ से, साथ ही साथ जो मशीन होती है, उसके बाद उसको जो ढकने का काम किया जाता है, वो तमाम सारी चीजें जो है बैतूल खनन ने किया था। उसके बाद सरकार की तरफ से जो है बैतूल ब्लॉक को जो है देश का पहला सर्टिफिकेट जो है वो जारी कर दिया गया है, और अन्य जो खनन कंपनियां हैं उनको भी साफ तौर पर कहा गया है कि जिस तरीके से बैतूल में खनन को लेकर के काम हो रहा है, उसी तरीके से पूरे प्रदेश में काम किया जाए, ताकि जो है असुरक्षित वातावरण जो है वो पैदा ना हो, किसी भी प्रकार की दुर्घटना से जो है वो बचा जा सके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो खदानों को हम देखते हैं कई बार जो है बिल्कुल रंजन, तो बड़ा फैसला, बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।